महापर्व के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र के तालाबों की सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। पर्व शुरू हो जाने की वजह से कार्य को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया ने शुक्रवार को तालाबों की सफाई कार्य का निरीक्षण किया। इसके तहत वे सुपेला स्थित शीतला तालाब पहुँचे। यह सफाई कार्य शुरू न होने और तालाब में फैली गंदगी व कचरे को देखकर उन्होंने निगम आयुक्त से चर्चा की, जिसके बाद मौके पर सफाई कर्मचारियों को भेजकर तालाब की सफाई कार्य को शुरू करवाया। ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने प्रदेश महासचिव से शहर के तालाबों की सफाई और रखरखाव को लेकर चर्चा की। आइए देखते हैं बातचीत के अंश। छठ महापर्व के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन द्वारा हाल ही में निगम क्षेत्र के सभी तालाबों की साफ सफाई का कार्य शुरू कराया गया, जो पूरे जिसे कहें कि वो मात्र एक प्रकार से खाना पूर्ति की जा रही, क्योंकि त्यौहार का को मात्र एक दिन ही शेष रह गया। आज से त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है। कई अधिकांश तालाबों में कार्य की शुरुआत हुई या कार्य अभी अधूरे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरुण सिंह सोदिया जी, जिन्होंने आज सवेरे शीतला तालाब सुपेला का जो लोगों की गहन आस्था से जुड़ा हुआ एक प्रमुख तालाब है, उस तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें ये जानकारी प्राप्त हुई, लोगों से द्वारा उनके द्वारा चर्चा भी की गई, उन्होंने वस्तु स्थिति को भी देखा, तालाब की स्थिति को। तो चूंकि ये तालाब पूरी तरह से गंदगी से युक्त है, इस अभी हाल ही में इस तालाब की स्थिति को देखते हुए अरुण जी द्वारा नगर निगम आयुक्त से चर्चा की गई, जिसके उपरांत अब यहाँ पे कार्य शुरू किया गया है। हालांकि कार्य एक दो दिन में पूर्ण हो पाता है अथवा नहीं, अभी यह तो अरुण सिंह सोदिया जी ही बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद अरुण सिंह सोदिया जी। अरुण जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि जो आज आपके द्वारा इस शीतला तालाब का निरीक्षण किया गया, यहाँ पे छठ महापर्व में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो आपको क्या लगता है? हालांकि आपकी पहल से तालाब की साफ सफाई का काम जरूर शुरू हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, छठ पर्व जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत महान पर्व है, और इसमें बहुत साफ सफाई का स्थान रहता है और हर घरों में भी बहुत बेहतर तरीके से साफ सफाई की जाती है। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश मऊ जिले से आता हूं, पूर्वांचल का क्षेत्र है, हमारे यहाँ भी छठ का बहुत बड़ा प्रचलन है, क्योंकि बिहार से सटा होने के कारण यूपी बिहार के सारे श्रद्धालु इस छठ पर्व को मनाते हैं। कल हमने शाम को यहाँ पे कई तालाबों का जो निरीक्षण किया, और यहाँ पे जब आए शीतला तालाब आए, भीलवा तालाब गए और राधिका नगर तालाब के, सभी जगह हम लोगों ने जाके ये प्रयास किया कि कहाँ पे किस चीज़ की कमी है उसको देखकर और प्रशासन से, निगम प्रशासन से मदद लेके इसको कराया जाए। हमने इसके यहाँ देखा तो काफ़ी गंदगी थी, किनारे किनारे खड़े होने लायक जगह नहीं थी, और बीच में बहुत सारे पेड़ के उसके पत्ते हैं, कमल के फूल के और अन्य जो भी है फूल हैं, तो गंदगी काफ़ी थी, जिसको देखकर ख्याल आया कि इसको तुरंत सफाई करानी पड़ेगी। और हमने जोन आयुक्त से बात किया और जोन आयुक्त ने भी तत्परता दिखाते हुए आज सुबह से लगभग 20 लोगों की टीम, JCB और पूरे अमले को लगाया हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि 50% तक काम हो चुका है, और अगर शाम तक इसी रफ्तार से करते रहे तो निसंदेह ये तालाब और अन्य तालाब साफ हो जाएंगे। क्योंकि आपको नहीं लगता महापर्व छठ को एक दिन ही शेष है, तो उसके इसके पूर्व ही इस तालाब के अलावा जितने भी शहर के तालाब, उनकी साफ सफाई को पूर्ण हो जानी चाहिए थी? देखिए, मैं इसमें बड़ा कठोर शब्दों का प्रयोग करूंगा, जितने जोन आयुक्त हैं, चाहे किसी भी जोन के हो, ये उनकी जिम्मेदारी है, नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रशासन को जो पैसा इनको तनख्वाह के रूप में दिया जाता है, हमारे टैक्सेस का ही रहता है, और अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए आखिरी पल में अगर ये काम करने की कोशिश करते हैं तो चिंता का विषय है, ऐसे अधिकारियों पे लगाम कसनी पड़ेगी। और तालाब के अलावा बाहर की बात की जाए शीतला तालाब की, तो इसके सामने ही मुख्य मार्ग है जो, उसमें काफ़ी गंदगी पड़ी हुई, आवारा मवेशियों का जमघट लगा रहता है, उसकी साफ सफाई को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, हर क्षेत्र में आज के समय में जनप्रतिनिधि हमारे कार्यरत हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र का विधायक होने के बावजूद भी उनका किसी भी काम को लेके कोई संवेदनशीलता, संजीदगी नहीं दिखाई जाती है, और वो भगवान भरोसे चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। ऐसे क्षेत्र के लिए जो हमारे पार्षद कांग्रेस पार्टी के जीत के आए हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वे तत्परता से काम कर रहे हैं, और आगे भी हमें उनसे उम्मीद है कि वो काम करेंगे। क्योंकि अरुण जी, ये जो शीतला तालाब है सालों पुराना है और लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, तो बीच में इसके सौंदर्यीकरण की भी बातें शुरू की गई थी, कुछ कार्य प्रारंभ भी किए गए, अब उन कार्यों को अधूरा छोड़ दिया गया, अब शीतला तालाब की स्थिति जस की तस है।
नहीं, इसमें काफ़ी काम हुआ है, गहरा किया गया है और साथ ही साथ बीच में निर्माण हुए हैं, साइड में सीढ़ियों का निर्माण हुआ है, कार्य प्रगति पे है। लेकिन त्योहारों के कारण कई बार काम में ढिलाई आ जाती है क्योंकि कर्मचारी छुट्टी मार देते हैं, ठेकेदार को दिक्कत होती है, काम रुक जाते हैं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि छठ के बाद ये सारे काम बहुत बढ़िया तरीके से नगर निगम प्रशासन, हमारे निगम के महापौर, कांग्रेस पार्टी के ये सारे लोग और इस क्षेत्र के पार्षद जो लोग भी MIC मेंबर हैं, वो इस काम को बहुत जल्दी से महीने डेढ़ महीने में पूरा करा लेंगे। क्योंकि शीतला तालाब के अलावा शहर के अन्य तालाबों की स्थिति भी काफ़ी दयनीय है। सरोवर धरोहर करके एक योजना की शुरुआत की गई थी जिसका असर दिखाई नहीं पड़ता। देखिए, ये तो निगम का और सरकार का विषय है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदारी है कि ऐसे चीज़ों को समय समय पे सरकार के संज्ञान में लाए और उस पर काम कराने के लिए उनको ध्यान आकर्षित करें और दबाव भी बनाए, क्योंकि कहीं सड़कें अगर गड्ढा है तो हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था अंतिम छोर तक पहुंचाना काम हर कांग्रेसी का, हर जनप्रतिनिधि का है। ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरुण सिसोदिया जी, जिन्होंने शीतला तालाब की साफ सफाई के अलावा अन्य तालाबों का भी भ्रमण किया। वहाँ पर भी अभी इस समय नगर निगम के सफाई कर्मचारी तैनात हैं। तालाबों की साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सभी तालाबों में बेदियां बनकर तैयार हो चुकी है। ये जो शीतला तालाब है इसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं, तो उस हिसाब से नगर निगम अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि तालाब की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त बल लगाया जाए, JCB वगैरह आदि का सहारा लिया जाए, तभी इस तालाब की दुर्गति कहा जाए उसकी स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। अन्यथा जो यहाँ पे छठ जो पूजा मनाने आते, पर्व को मनाने आते, उन्हें दिक्कतों का निश्चित रूप से सामना करना पड़ेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए अभिषेक के साथ संजय दुबे।